हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस वीडियो का पार्ट नंबर टू, तो आज हम पार्ट डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर थ्री। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं इस सीरीज़ के बारे में। तो चलिए आज का पार्ट नंबर थ्री हम शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक। तो चलिए आज का सीरीज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आ जाता है, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी। सो ऑप्शन इसका आ जाता है टू, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड ऑफ। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो किस नीड के ऊपर बनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि हर किसी की अलग अलग नीड होती हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर उस बेस पे बनाया जाता है ताकि हर किसी की नीड को पूरा किया जा सके। सो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 आपका आ जाता है, अ ब्लैंक इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि लार्ज इन साइज़ होता है और एक्सपेंसिव होता है और इसका यूज़ साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है? तो वो आ जाता है आपका सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए गाइस, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप वाई। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज दी गई हैं चार और पूछा गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी डेवलप हुई थी। तो इसका आंसर आ जाता है फोरट्रान, ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है इसमें उसके बारे में पूछा गया है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों। सो 35 का आंसर आ जाता है ऑप्शन थ्री। सो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑप्शंस में से कौन सा जो कंप्यूटर है वो कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है? सो इसका आंसर आ जाता है आपका PDA। सो PDA क्या होता है? एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे कि हम अपने हाथ में रख के भी ऑपरेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 37, एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय। जो एनालिटिक इंजन था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका आंसर आ जाता है आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन को डेवलप किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अ कंप्यूटर आल्सो नोन एज सर्वर कंप्यूटर इज़। मतलब कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे कि हम सर्वर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर आ जाता है आपका मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर थ्री आपका राइट हो जाएगा। सो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, द यूज़र जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सो इसका आंसर आ जाता है आपका टर्मिनल। सो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे पूछा गया है, जो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरी और फिजिकल इक्विपमेंट। जो कि माइक्रो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर, क्योंकि उसमें होता है एक सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट यानी कि मदरबोर्ड और जो मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं एक्सेसरीज़, वो जैसे कि रैम वगैरह। फिर आपका आ जाता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और फिर आता है आपका मेमोरी। जैसे कि मेमोरी में आ जाता है आपका हार्ड डिस्क जिसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं। सो इसका ऑप्शन आ जाता है आपका टू। सो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, टैबलेट PC इज़ अ टाइप ऑफ। जो टैबलेट PC होता है वो इन ऑप्शंस में से कौन से PC का एक टाइप है? तो इसमें आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि टैबलेट PC पोर्टेबल है, उसे हम अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर भी स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर आ जाता है 41 का ऑप्शन वन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। सो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 में कि जो फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है, ऑडोमीटर लगा होता है, वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। तो पूछा गया है कि वो किस सप्लाई पे वर्क करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल पल्स, वो भी कॉन्टीन्यूअस। तो इसका ऑप्शन नंबर वन आ जाता है कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्स, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तभी वो वर्क कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अगर एक बार बंद हो जाए, फिर से डिसकॉन्टीन्यूअस हो मतलब कि, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है आपका, लैपटॉप्स आर, सो ऑप्शंस में आपको पढ़ के बताता हूँ, कंप्यूटर्स यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज, पोर्टेबल, लाइट वेट एंड फिट इन टू ब्रीफ केस. तो मुझे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट लगता है, क्योंकि लैपटॉप जो होते हैं वो बिल्कुल पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं और फिट इन टू ब्रीफ केस ईजिली हो जाते हैं. सो इसका ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है, द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोवाइड स्टोरेज. वर्ल्ड का ऐसा कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने की स्टोरेज प्रोवाइड की थी हमें, मतलब कि हम उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकते थे. इसका आंसर आ जाता है आपका ADSAC ऐसा कंप्यूटर था जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट स्टोरेज प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर था. तो इसकी फुल फॉर्म को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें गाइज, और हम इसकी फुल फॉर्म आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे. या फिर अगर आप फुल फॉर्म्स की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं. सो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46, अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस. जो टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते थे. सो इसका आंसर आ जाता है आपका LSI चिप्स, जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स होती थी, वो यूज़ की जाती थी मॉडर्न कंप्यूटर के द्वारा. जो कि टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं वो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं गाइस. सो क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, द पीरियड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज. जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका पीरियड कौन सा था. सो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका पीरियड था 1956 से लेकर 63. इसको आप इजीली याद रख सकते हैं. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 56 तक चले, 1956 तक जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो उनकी वहाँ तक था डेट. सो सेकंड जनरेशन होगा वो 1956 से स्टार्ट होगा. इससे कि आपको दो ऑप्शंस, मतलब कि दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इससे आप इजीली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के पीरियड को बता सकते हैं. सो क्वेश्चन आ जाता है आपका 48, ENIAC वाज. जो ENIAC है वो क्या है. तो इसका आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल कंप्यूटर. जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसे कहते हैं ENIAC, और ENIAC की फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और फुल फॉर्म की एक अलग वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पैलम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज. पैलम टॉप कंप्यूटर जो होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है. सो पैलम टॉप, इसे हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, पैलम और टॉप. पैलम मतलब कि हाथ, तो मतलब कि जैसे लैपटॉप होता है तो वैसे ही पैलम टॉप होता है, जैसे कि हम हाथ में रख के चला सकते हैं. सो इसका आंसर आ जाता है आपका हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जैसे कि हम हाथ में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है आपका, डैश इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर. इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है. सो यहाँ पे हमें पता डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, जो कि हम घर पे यूज़ करते हैं. लैपटॉप भी एक माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि इजीली पोर्टेबल है. टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर ही है. हैंड हेल्ड भी माइक्रो कंप्यूटर क्योंकि ये सभी पोर्टेबल हैं, या फिर हम इन्हें रखने के लिए कम स्पेस लेते हैं. लेकिन जो क्वेश्चन हम इसका ऑप्शन 5 दिया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो एक माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग टाइप है. तो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आ जाता है आपका 5. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51. सो क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर. सो जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो जो जनरल पर्पस के कंप्यूटर होते हैं वो छोटे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन छोटी कैलकुलेशंस के लिए, अकाउंटिंग के लिए भी जनरल पर्पस कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा. तो इसका आंसर ये तीनों आ जाते हैं, तो मतलब कि हम 4th को टिक कर देंगे, ऑल द अबव. सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे गाइस. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है आपका, विच इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का टाइप है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है. जो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग है वो भी एक स्पेशल पर्पस है, जो कि एयरपोर्ट पे इस्तेमाल किया जाता है. वर्ड प्रोसेसर ये हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर 2, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. जो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर. मल्टीमीडिया कंप्यूटर मतलब कि जो मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर आ जाता है आपका. सो आपका क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें आंसर आ जाता है वर्ड प्रोसेसर. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53. सो यहाँ पे लिखा है, ब्लैंक इज़ नॉट एन ई कॉमर्शियल एप्लीकेशन. इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है. सो इसका आंसर आ जाता है आपका इवेलुएशन ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम कंप्यूटर के ज़रिए इवेलुएट नहीं कर सकते. हाउस बैंकिंग को भी हम कर सकते हैं, वो कंप्यूटर से हो सकती है,
स्टॉक को भी हम बाय कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर ऑपरेशन से किया जा सकता है। कंडक्टिंग ऑफ एन ऑक्शन मतलब कि किसी चीज़ को बेचना या खरीदना, वो भी कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर आ जाता है फोर्थ ऑप्शन। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें कि दिया गया है कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्ट था वो किसने डिवेलप किया था। सो इसका आंसर आ जाता है आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर को डिवेलप किया था। सो क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है आपका, इन प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज़ नीडेड इन द फॉलोइंग। तो जैसे कि आपने टेंथ वगैरह में पढ़ा होगा कि जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं, और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सिलिकॉन होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 2। सो 56 है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज़, जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर था इंडिया में फर्स्ट, वो कौन सा था, उसका नाम पूछा गया है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का। सो इसका आंसर आ जाता है आपका परम। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूजर्स ऑफ हु ट्रैवल, मतलब कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि पोर्टेबल है और जो यूज़र्स ट्रैवल करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका लैपटॉप। लैपटॉप को आपको पता है ब्रीफकेस में कैरी करके कोई भी हम पोर्टेबली उसको यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र जो ट्रैवल करते हैं वो भी लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सो क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि मोर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में डेवलप किया गया था। तो इसका आंसर आ जाता है आपका EDVAC। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो हमें कमेंट में करें, और अगर आपको नहीं पता है तो हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो को ज़रूर देखें। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सो क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली कॉस्टलियर, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर पूछे गए हैं इसमें कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो कि महंगा होता है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि सर्वर है जो मिनी कंप्यूटर में आ जाता है, नोटबुक जो माइक्रो, पर्सनल भी माइक्रो, लैपटॉप भी माइक्रो में आ जाता है, लेकिन जो मेन फ्रेम होता है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, उसका प्रोसेसर स्पीड ज़्यादा होती है, जिस वजह से उसका प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है आपका, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, जो डेस्कटॉप होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम किस और नाम से जानते हैं। तो उन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, उन्हें सर्वर भी नहीं कहते, मेन फ्रेम भी नहीं कहते, पेरिफेरल इक्विपमेंट तो आपके USB वगैरह आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। सो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।